Hello friends, myself Rajiv Atri. Today we are going to discuss vector or properties, some very important properties of vector. So students, first of all, जब हमने vector chapter start किया उसके अंदर हमने सीखा था कि कोई भी physical quantity दो categories में divide की जा सकती है, एक scalar एक vector. अब वो दोनों categories में जो वेक्टर कैटेगरी आती है वो कैटेगरी हमें इस पूरे चैप्टर नंबर 4 के अंदर सीखनी थी. सो वेक्टर की बेसिक प्रॉपर्टीज आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं, जिसमें कि पहली जो बेसिक प्रॉपर्टी है किसी भी वेक्टर की वो है, आप कह सकते हो कि कोई भी डिससिमिलर वेक्टर कभी भी एड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता. ओके okay? टू डिसिमिलर वेक्टर्स नेवर बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड. वैसे कभी भी वेक्टर्स सब्ट्रैक्ट तो हो ही नहीं सकते. ओके बट फिर भी मैंने यहां पे सब्ट्रैक्टेड लिख दिया और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिस्कस भी करूंगा सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर, एक्चुअल में सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर क्या होता है. ओके उसका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं या फिर उसका प्रोजेक्शन, रिजल्टेंट का प्रोजेक्शन डायरेक्शन कैसे निकालते हैं. सो सब्ट्रैक्टेड या एडेड कभी भी नहीं हो सकते दो वेक्टर्स, दो डिसिमिलर वेक्टर्स. अंडरस्टैंड मींस अगर मैं कहूं फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी जो कि है, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इन दोनों को ऐड कर दो, नहीं हो सकते. ठीक है, दो वेक्टर ऐड या सब्ट्रैक्ट सिर्फ एक ही कंडीशन पे होंगे कि दोनों वेक्टर सिमिलर नेचर के होने चाहिए, दोनों ही या तो फोर्स हो या तो दोनों ही डिस्प्लेसमेंट हो. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, two vector quantities never be divided also. Understand? आपने ये चीजें बस ऑब्जर्व नहीं करी कभी, बट ये चीजें आप जानते हो, डिवाइड भी नहीं किया जा सकता कभी भी दो बेशक सिमिलर वेक्टर हो या डिसिमिलर वेक्टर हो, कभी डिवाइड नहीं होंगे. ओके तो वेक्टर बेसिकली प्रोडक्ट हो सकता है और वो जो प्रोडक्ट होगा वो दो फॉर्म में होगा. अगर दो वेक्टर का प्रोडक्ट हमने डॉट प्रोडक्ट कर दिया तो बेसिकली वो दोनों वेक्टर एक स्केलर दे देंगे आपको, जैसे कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों को मैंने डॉट प्रोडक्ट में कंबाइन किया, क्या आया, वर्क डन आया. वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी. प्रोडक्ट हो सकता है दो वेक्टर्स का, डॉट और क्रॉस दोनों प्रोडक्ट हो सकते हैं, वो भी मैं आपको आने वाली अपनी वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन करूंगा. अभी फिलहाल थर्ड प्रॉपर्टी देखो, ये जो थर्ड प्रॉपर्टी है और जो फोर्थ प्रॉपर्टी है ये आपके दो दो मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर एड की जा सकती है कि वेक्टर एडिशन कैसा है, कम्यूटेटिव इन नेचर. वेक्टर एडिशन is commutative. अब ये commutative है क्या चीज, basically commutative का मतलब होता है कि अगर मैं दो vectors को add करूं तो किसी भी manner में कर लो, आप a plus b कर लो या b plus a कर लो, ना तो resultant vector की direction change होगी ना resultant vector का magnitude change होगा. ओके दिस इज इन एक्चुअल द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज, या फिर मैं ये कह लूं इट कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन्ड एज रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स
will remain same. कब whatever be the order of addition is. दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स ऑलवेज क्या रहेंगे, सेम रिजल्टेंट जो ऐड होके जो रिजल्टेंट आएगा, दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स का सेम रिजल्टेंट आएगा, बेशक उनको किसी भी ऑर्डर में ऐड कर लो आप। इसका एक बेसिक एग्जांपल भी हम दे सकते हैं। देखो पैरेललग्राम लूप ऑफ वेक्टर एडिशन में हम क्या किया करते थे, इसका मैं एक प्रूफ दे रहा हूं। पैरेललग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हम किया करते थे कि अगर एक वेक्टर मान लो दिस इज दी वेक्टर ए, दिस इज दी वेक्टर बी, हम इस तरह से तो इनको सोल्व कर नहीं सकते। तो सोल्व करने के लिए मैं रीअरेंज कर रहा हूं, बी को यहां लेके आ रहा हूं। ओके, रीअरेंज किया, रीअरेंज कर सकते हैं हम किन्हीं भी दो वेक्टर को ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजिशन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायरेक्शन, हम कहीं पे भी ले जा सकते हैं, है ना। मैग्नीट्यूड बराबर रखो, डायरेक्शन वही रखो, कर सकते हैं हम ऐसा किया। इन दोनों का देखो, मान लो मैं नेमिंग कर रहा हूं पी क्यू आर एस, इस टाइप से नेमिंग करी मैंने। ये जो नेमिंग हुई, अगर मैं इस ट्राइंगल को इस दो नजरिए से देख सकता हूं मैं इसमें, एक तो P, Q, R, मैं बीच में एक डायगोनल भी ड्रॉ कर रहा हूं इस टाइप से, दोनों ही नजरिए से रिजल्टेंट ये ही रहेगा। ओके, बस मैं ऑर्डर चेंज कर दूंगा। अब की बार मैं ले रहा हूं P, Q, R ट्रायंगल, फ्रॉम ट्रायंगल P, Q, R, एंड इन सेकंड केस मैं दूसरा ट्रायंगल ले रहा हूं P, S, R, ऑर्डर चेंज कर दिया। अब ऑर्डर ऑफ एडिशन क्या होता था इनका, बेसिकली जब हम ट्रायंगल और पैरेललग्राम लॉ पढ़ा था हमने, एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल से कनेक्ट होके तब जाके रिजल्टेंट बनाएगा। ये तो था सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर क्या, हेड टू टेल एडिशन। इसका हेड उसके टेल से कनेक्ट है, ये वेक्टर ए है, तो बाय पैरेललग्राम ज्योमेट्री दिस इज ऑल्सो वेक्टर ए। सिमिलरली इफ वेक्टर दिस इज द वेक्टर बी, देन Also side as R represent vector B. अगर मैं पी क्यू आर लू तो इस ट्राइंगल के अंदर अप्लाइंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करके देखें क्या होगा, B प्लस A आएगा, क्योंकि दिस एंड दिस अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्डर रिजल्टेंट विल बी B प्लस A, है ना। And that resultant is what? That resultant is PR. ये जो resultant है ना, ये PR है, okay? Remind that. From PSR, PSR में भी according to order tail to head ऐसे connect है, ये A और B है ना, इसका tail इसके head से connect है, तो पहले A vector को add करूंगा आपकी बार में इस तरह से। देखो series समझो, जिसकी टेल अटैच है ना हेड से वो बाद में ऐड होगा, ये पहले ऐड होगा, ए प्लस बी। नाउ दिस इज द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट इज व्हाट, पी आर, हियर आल्सो द रिजल्टेंट इज पी आर। नाउ स्टूडेंट्स दिस इज पी आर, दोनों जो पी आर का मैग्नीट्यूड मैंने निकाला, क्या निकाला, ए प्लस बी, बी प्लस ए, दोनों ही मैग्नीट्यूड पी आर के, तो क्या हम ये कह सकते हैं, हैंस We can rewrite as, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि a plus b is equal to b plus a, okay? And this is our commutative property. Now again, the vector addition ऑल्सो फॉलो, जैसे कि ये तो था ट्राइंगल लो ले लो या पैरेललग्राम लो ले लो, इसमें दो वेक्टर्स होते थे, है ना, बट अगर वेक्टर तीन या तीन से ज्यादा आ जाएं, एक और प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव,
अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव कह सकते हैं हम. ओके एसोसिएटिव क्या है अब. नाउ स्टूडेंट्स एसोसिएटिव भी कुछ इसी टाइप की है. हम एक्सप्लेनेशन में यहां पे सेम एक्सप्लेनेशन देंगे कि टू और मोर वेक्टर्स कैन बी एडेड टू गिव द सेम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट द सेम रिजल्टेंट रिजल्टेंट वट एवर बी द ऑर्डर ऑफ देयर एडिशन वट एवर बी द ऑर्डर ऑफ देयर एडिशन. ओके एडिशन का ऑर्डर भले ही कुछ हो बट उनका जो रिजल्टेंट है इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन द रिजल्टेंट विल रिमेन सेम. नाउ स्टूडेंट्स मैं अगेन पॉलीगन का एग्जाम्पल लूंगा आपकी बार. This is vector A, okay? This is vector B. मैं add ही करके दे रहा हूं खाम खा बाद में rearrange करेंगे step बढ़ेगा ये. This is vector A, this is vector B and ऐसे ही ये रहा हमारा vector C, okay? मैं order change करूंगा सिर्फ order change करेंगे resultant. देखो एक order में बना रहा इसको वर्चुअली ऐड कर रहा हूं अभी बट इन फैक्ट एज यू नो दिस इज द रिजल्टेंट रिजल्टेंट है ना. और रिजल्टेंट हमारा अकॉर्डिंग टू पॉलीगन लॉ क्या आया था ए प्लस बी प्लस सी ऐसे आया था. यहां पे भी हम ऐसे ही करेंगे. फ्रॉम मैं पहले ट्राइंगल लॉ लगा रहा हूं मान लो मैंने इसको नेमिंग इस तरह से कर दी पी क्यू आर एस. ओके सो फ्रॉम ट्रायंगल पी क्यू आर ये है ऑर्डर अभी एडिशन ऑर्डर ऑफ एडिशन. टेल इसकी कनेक्ट है हेड इस ए वेक्टर का कनेक्ट है तो पहले कौन सा वेक्टर लेंगे ए है ना. रिजल्टेंट विल बी ए प्लस बी इस टाइप से. एंड व्हाट इज द रिजल्टेंट इन गिवन फिगर रिजल्टेंट इस फिगर के अंदर ये रहा होगा है ना. दिस इज द रिजल्टेंट कितना है ये ए प्लस बी ऐसा. अब ए प्लस बी एक सिंगल वेक्टर है. नाउ ए प्लस बी एंड दिस इज सी अगेन फ्रॉम ट्रायंगल ये जो हमारी साइड है ये क्या आई है ये बेसिकली पी आर है ना. क्या है पी आर लिखेंगे हम इसको पूरे के ऊपर वेक्टर साइन दे देंगे. अगेन फ्रॉम ट्रायंगल नाउ पी आर एस ऑर्डर जरूर देखें पी आर एस का ऑर्डर क्या है. सी जो है वेक्टर उसकी टेल कनेक्टेड है हमारे ए प्लस बी वेक्टर से तो पहले कौन आएगा ए प्लस बी. जिसका हेड कनेक्टेड है वो पहले आएगा जिस जो टेल से कनेक्टेड है वो बाद में आएगा. ओके हेड रिजल्टेंट नाउ व्हाट इज द रिजल्टेंट पी एस. ओके पी एस इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स. दो वेक्टर में कौन कौन से हैं ए प्लस बी आपको पहले लिखना है एंड सी आपको बाद में लिखना है. ये आया एक बार में रिजल्टेंट पी एस. पी एस की डायरेक्शन क्या रही होगी डायरेक्शन देखो अपोजिट ऑर्डर में हम रिजल्टेंट को प्लेस करवाते हैं. अपोजिट ऑर्डर क्या होता है टेल टू टेल हेड टू हेड इस टाइप से. दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर अलोंग पी टू एस. नाउ स्टूडेंट्स ऑर्डर मैं बदल रहा हूं इसी रिजल्टेंट को इसी फिगर में निकाल के दिखाऊंगा बस ऑर्डर बदल रहा हूं. अब मैं पहले कंसिडर करूंगा फ्रॉम ट्राइंगल पी आर एस. क्या पी आर एस सॉरी पी आर एस नहीं पहले हम कंसिडर करेंगे क्यू आर एस. क्यू आर एस इस तरह से इसका अब रिजल्टेंट निकलेगा कुछ ये ऐसे. टेल देखो क्यू आर इज द वेक्टर सिमिलर टू दिस एंड आर एस इज द वेक्टर सिमिलर टू दिस. सो आर एस की जो टेल है वो कनेक्टेड है क्यू आर के हेड से.
तो जो ऑर्डर ऑफ एडिशन होगा वो पहले बी एड होगा, आफ्टर दैट सी एड होगा, लिख सकते हैं इस टाइप से। और जो रिजल्टेंट होगा वो क्या है, QS, QS भी द रिजल्टेंट अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन, बी प्लस सी आएगा। और ये जो एडिशन है ये हमें हमारे ट्राइंगल में ये देखे जा रहा है, बी प्लस सी बार ऐसे। नाउ स्टूडेंट्स अब करेंगे PQS, जो हमारा ट्राइंगल है फ्रॉम ट्राइंगल PQS। इस ट्राइंगल के अंदर अब देखिए रिजल्टेंट ऑर्डर ऑफ एडिशन मस्ट, ये जो बहुत जरूरी है समझना, P से लेके Q इस टाइप से कनेक्टेड है ना, हेड आफ्टर दैट टेल, टेल किसकी कनेक्टेड है, QS की। सो हम इसको रिजल्टेंट में क्या देंगे, PS। एंड व्हाट इज द ऑर्डर, पहले A आफ्टर दैट बी प्लस सी, दिस इज द ऑर्डर ऑफ एडिशन। सो स्टूडेंट्स ऑर्डर ऑफ एडिशन अंडरस्टूड होना बहुत जरूरी है दोनों ही इक्वेशंस में, फ्रॉम बोथ ऑफ द इक्वेशंस। हमने ये समझा कि ए प्लस बी प्लस सी, बट ए प्लस बी हाँ कैन बी राइट एज अ सिंगल वेक्टर, एंड हेयर बी प्लस सी रिप्रेजेंट अ सिंगल वेक्टर। बट देखो ऑर्डर कुछ भी हो एडिशन का, रिजल्टेंट तो वही आया पी एस, इन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ, डायरेक्शन भी वही मैग्नीट्यूड भी वही, दोनों में रिजल्टेंट विल रिमेन सेम। और यही मैं आपको सिखाऊंगा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कम्यूटेटिव एसोसिएटिव फॉलो ही नहीं करता, इसीलिए हम कहते हैं कि दो वेक्टर एड हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते कभी भी। ये देखो ए प्लस ए माइनस बी करो या बी माइनस ए करो, बी माइनस ए का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन अलग मिलेंगी एज कंपेयर टू ए माइनस बी, सो वो कम्यूटेटिव एसोसिएटिव फॉलो नहीं करेगा। और जो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगा, ये बेसिकली वेक्टर की तो प्रॉपर्टी है, तो मतलब वो वेक्टर होने का एक तरह से प्रूफ फॉलो नहीं कर रहा। अगर प्रूफ फॉलो नहीं कर रहा तो बेसिकली वो वेक्टर नहीं है, वेक्टर नहीं है तो हम कह सकते हैं दो वेक्टर सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। तो जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन करवाया था, तो क्या हो सकता है, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के नेगेटिव वेक्टर में ऐड किया जा सकता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू वेक्टर। नाउ स्टूडेंट्स अगर कोई अभी भी डाउट रहा हो किसी भी कंसेप्ट में, तो प्लीज डाउट को अपने कमेंट सेक्शन में डालें, मैं 100% कोशिश करूंगा कि आपके डाउट पे रिएक्ट करूं या उससे रिलेटेड कोई अलग से वीडियो बनाऊं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।